इसका सॉल्यूशन होगा। क्या होगा सॉल्यूशन? एंड सॉल्यूशन विल बी हमारा क्या आया था अभी, साइन एक्स प्लस अल्फा आया था। साइन एक्स प्लस अल्फा इक्वल टू कितना आया था? सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसे साइन हटेगा तो क्या होता है, साइन इनवर्स आ जाएगा। जब साइन इनवर्स सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। सो एक्स कितना हो गया, एक्स विल बी माइनस अल्फा प्लस साइन इनवर्स सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और अल्फा का क्या था आपका, वेयर अल्फा क्या था, साइन अल्फा इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपने माना था। साइन अल्फा इक्वल टू क्या माना था, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो जैसे हमने इसको साइन अल्फा वाले एक्सप्रेशन से कन्वर्ट किया है, उसी टाइप से हम कॉस से भी कर सकते हैं। कॉस वाले में से कैसे कर सकते हैं जी, उसको भी दिखाई देता हूं आपको। हमने अभी क्या किया था, पूरे को साइन वाले एक्सप्रेशन में कन्वर्ट किया है। कॉस में कैसे करेंगे, ये आ गया हमारे पास a cos x plus b sin x equal to c था। क्या बताया आपको, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से पूरे में डिवाइड कर देंगे, पूरे में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से आपने डिवाइड कर दिया। जैसे ही आपने डिवाइड किया, अब इसको cos alpha मान लो। लेट cos alpha equal to a upon under root a square plus b square। तो ये हो गया अल्फा, तो बेस हो गया a और ये हो गया a square plus b square। ये हो गया b, which is Pythagoras। And so this expression will be sin alpha। तो क्या हो गया, cos alpha cos x plus sin alpha sin x equal to c upon under root a square plus b square, ठीक है। अभी किसका फॉर्मूला है, cos x minus alpha का, cos x minus alpha का under root a square plus b square। x कैसे आएगा, तो x minus alpha कितना हो गया आपका, x minus alpha will be cos inverse c upon under root a square plus b square। x कितना हो गया, alpha plus cos inverse c upon under root a square plus b square। alpha क्या है आपका, where cos alpha equal to हमने माना था a upon under root a square plus b square, ठीक है। तो ये इसमें सॉल्व हो गया cos में कन्वर्ट करके, ठीक है। ऐसे आपने साइन में किया था, कॉस पर भी कर दिया। थोड़ा सा न्यूमेरिकल लेता हूं और इसकी फिगर क्लियर हो जाएगी आपके माइंड में। चलो प्रूव दैट, ये आता है प्रूव दैट y cos theta plus 3 cos theta plus pi by 3 plus 3 lies between माइनस 4 एंड 10। ये हमें प्रूफ करना है। तो मतलब मिनिमम वैल्यू माइनस 4 हो गई, मैक्सिमम वैल्यू 10 हो गई इसकी, ठीक। तो आप देखते हैं कि है यहाँ सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। वी हैव क्या है भाई, 5 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा प्लस pi by 3 थीटा प्लस pi by 3 plus 3, ये हो गया। अभी इसको थोड़ा सॉल्व करो,
तो यहाँ से कितना आ गया cos a plus b का फॉर्मूला आएगा यहाँ से 5 cos theta + 3 times cos a plus b. क्या होता है cos a cos b, cos a cos b ठीक माइनस sin a sin b प्लस 3 ये हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। cos a plus b का फॉर्मूला cos a cos b sin a sin b, तो 5 cos theta plus 3 times cos theta cos 5 कितना हो गया cos 60 हाफ, कितना हो गया हाफ माइनस 3 sin theta और sin 5 कितना हो गया root 3 by 2 ठीक है और प्लस 3 एज इट इज। अब क्या है cos theta वाले देखते हैं जरा 5 plus 3 by 2 ये दोनों cos theta वाले हैं ना भाई 5 plus 3 by 2 कितना हो गया 13 by 2 cos theta। sin theta वाले कितने हैं भाई minus 3 root 3 by 2 sin theta plus 3 ठीक है ना। अब आपको a cos theta plus और minus b sin theta के maximum minimum पता है। maximum minimum क्या होता है we know that theta कहाँ से कहाँ तक लाइन करेगा भाई will belongs to माइनस का अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है ना, तो 13 by 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 रूट 3 by 2 का स्क्वायर से लेके कहाँ तक इसी के पॉजिटिव तक, इसी के पॉजिटिव तक हमने भी सीखा ना ये कि a cos theta plus b sin theta कहाँ से कहाँ तक लाइन करेगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से लेके प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तक, तो 13 by 2 प्लस माइनस 3 रूट 3 by 2 का स्क्वायर ठीक है। तो कहाँ से कहाँ तक आ गया भाई इसका हिसाब कितना लगाओगे 169 ये हो गया 169 अरे कितना हो गया 27 196 by 4 कितना हो गया 196 by 4 चार से इसको डिवाइड कर दो 49 का स्क्वायर रूट है ना, कितना हो गया -7 -7 से कहां तक गया ये +7 तक, ये कितना हो जाएगा +7 समझ में आया। ये पूरी एक्सप्रेशन आपकी यहां से यहां तक क्या हो गई -7 से लेके +7 तक हुई है। सो लिखेंगे 13 cos theta माइनस 3 रूट 3 बाय 2 साइन थीटा लाइन बिटवीन कहां से कहां तक -7 से लेके +7 तक, लेकिन हमें क्या चाहिए प्लस थीटा प्लस 3 भी चाहिए था, हमें क्या चाहिए था प्लस 3, तो प्लस 3 पूरे में कर दो +3 कितना हो गया -4 और इसको एंगल ऑफ थीटा कह देता हूं मैं, इसका नाम दे दिया है f of theta, theta का फंक्शन है इसके, तो f of theta हो गया। ये तो आपको प्रूव करना था कि प्रूव दैट दिस एक्सप्रेशन लाइज बिटवीन -4 to 10 वही है, दिस एक्सप्रेशन लाइज बिटवीन -4 to 10 ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं जरा,
थोड़ा थोड़ा डाटे कर फाइंड द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस between the graph of y equal to 2 plus 3 sin x y equal to 2 plus 3 sin x and y equal to 4 cos x minus 3 Yeah.
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। पावर के ऊपर पावर है और सेम बेस होता है तो पावर एड हो जाती है। अब इसका मैक्सिमम मिनिमम कितना आएगा, एंड मैक्सिमम मिनिमम इसे एफएक्स कह रहे हैं, इसको हम एफएक्स कह देते हैं। ये सब क्या है, एफएक्स फंक्शन ऑफ एक्स। अब ये ऊपर वाले की बात करो जरा, 3 cos 2x प्लस 4 sin 2x। सही, कोई भी एंगल हो सकता है, सेम एंगल है, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी एंगल हो सकता था ना, 8 cos theta + 3 sin theta टाइप। सो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी भाई, अंडर रूट 3² + 4² इसकी हो गई मैक्सिमम। मतलब कितना हो गया, 16 9 25 मतलब 5, और इधर कितना होगा, -5। ठीक है, तो 3 cos 2x + 4 sin 2x लाइक बिटवीन -5 से लेके +5। ठीक है, तो ये पूरा कितना हो गया, तो fx विल बी बिलोंग्स टू 3 raised to -5 से लेके 3 raised to +5। fx will belong to 3 raised to -5 to 3 raised to +5। समझ में आया, इसके ऊपर लोअर रेंज रखती है और इसके अपर रेंज रखती है, तो ये क्या हो गया, इसकी कंप्लीट रेंज हो गई। ठीक है, उसके बाद लेते हैं जरा आपका आप लोग नोटबुक पे पेन चलाते रहना, नोटबुक पे पेन चलता रहना चाहिए। फाइंड द रेंज ऑफ, रेंज मतलब क्या, आउटपुट कहां से कहां तक आएगा, बस रेंज मतलब आउटपुट कहां से कहां तक आएगा। फाइंड द रेंज ऑफ fx इज इक्वल टू 1 upon cos x - 3 का होल स्क्वायर प्लस sin x + 4 का होल स्क्वायर। ये हो गया, इसका हमें क्या निकालना है, रेंज निकालनी है। तो पहले ये जो डिनोमिनेटर में है वो है क्या, उसको देख लेते हैं। cos x माइनस 3 का होल स्क्वायर, इस एक्सप्रेशन को ढंग का बदल लें अपन, sin x प्लस 4 का होल स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन को बोलो जरा, a माइनस b होल स्क्वायर, cos स्क्वायर x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 6 cos x। ठीक है, इधर वाला क्या आएगा, sin स्क्वायर x प्लस 16 प्लस 8 sin x। तो cos स्क्वायर sin स्क्वायर कितना हो गया, 1, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर कितना हो गया, 1, और 9 और 16 कितना हो गए, 25, और 1 ये 26, माइनस 6 cos x प्लस 8 sin x। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी देखो आप, माइनस 6 cos x प्लस 8 sin x ये सब इक्वल टू वाले है ना, कहां से कहां तक लाइन करेगा भैया, अंडर रूट नेगेटिव का अंडर रूट क्या लेंगे, माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, कितना हो गए, 36 और 64 100, 2 10 क्या लिख लेता हूं, डायरेक्ट 10। ठीक है, माइनस 10 से लेके प्लस 10 तक लाइन कर गया, लेकिन 26 और चाहिए था, तो 26 पूरे में ऐड कर लो, 26 इधर, 26 इधर और 26 इधर, पूरे में 26 ऐड कर दिया, तो कितना हो गया, ये तो पूरा ऐसे ही रहा, ये कितना हो गया, 36, ये कितना हो गया, 26 - 10 = 16। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए था, इसका रिवर्स चाहिए, इसका रिवर्स कहां से कहां तक लाई करेगा, 1 upon चाहिए था हमें, 1 upon
ठीक है, लोग के डिनोमिनेटर कहां से कहां तक चल रहा है, 16 से लेकर 36 तक। तो उसके बाद देखते हैं जी, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। फंक्शन चेंज कर देता हूं मैं, साइन एक्स प्लस पाई बाय सिक्स प्लस कॉस एक्स माइनस पाई बाय सिक्स। साइन एक्स प्लस पाई बाय सिक्स से लेके कॉस, सॉरी एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस पाई बाय सिक्स प्लस कॉस एक्स माइनस पाई बाय सिक्स की रेंज निकालनी है। तो पहले उसको पहले सही करेंगे, तो क्या आएगा, साइन x प्लस पाई बाई सिक्स प्लस कॉस x माइनस पाई बाई सिक्स। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। क्या हो गया, कॉस a माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, cos a cos b plus sin a sin b। ये हो गया, sin a plus b लगाया आपने, फिर cos a minus b लगाया। cos 5 by 6 की वैल्यू कितनी होगी, root 3 by 2, root 3 by 2 sin x हो गया। sin 5 by 6 की कितनी होती है, 1 by 2 cos x हो गया। cos 5 by 6 कितना होता है, मिलेगा हमें root 3 by 2 cos x। sin 5 by 6 कितना होता है, 1 by 2 sin x। ये हो गया, sin वाले एक्शन कर लेते हैं, cos वाले एक्शन कर लेते हैं, तो कितना हो गया, root 3 plus 1 by 2 sin x। और यहाँ पे कितना आ गया, root 3 plus 1 by 2 cos x। इसे रेंज निकालनी है, तो समथिंग साइन एक्स प्लस समथिंग कॉस एक्स, सो इसकी रेंज क्या आएगी भाई, विल बी लेस देन इक्वल टू, और यहां ग्रेटर देन इक्वल, तो उसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, कितना आएगा, जरा हिसाब किताब लगाएं आप लोग, रूट थ्री प्लस वन बाई टू पाई स्क्वायर प्लस रूट 3 प्लस 1 बाय 2 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे इधर हो जाएगा, तो इसको डायरेक्टली लिख लो, माइनस 2 टाइम 2 तो अंदर रहेगा, रूट 3 प्लस 1 बाय 2 इंटू रूट 2 है ना, और मैक्सिमम कितना हो जाएगा, तो आपका एक्सप्रेशन ये समझ में आ गया ना, ये कैसा है, ये टू टाइम्स है, तो स्क्वायर वाले को बाहर दे दिया मैंने रूट के, और टू टाइम्स अंदर पड़ा रहा, तो ये पूरा जो एक्सप्रेशन है वो कहां से कहां तक हो गया आपका, ये पूरा जो एक्सप्रेशन है कहां से कहां तक हो गया, माइनस रूट थ्री प्लस वन बाई टू रूट टू से लेके प्लस रूट थ्री प्लस वन बाय टू रूट टू तक, ये हो गया इसकी रेंज। ठीक है, या इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको को रूट टू इंटू रूट टू लिख सकते हैं, तो एक रूट टू कैंसिल हो जाएगा, तो हो गया। अभी दूसरा करते हैं जरा, if sin square, if sin square theta minus alpha is into cos alpha equal to cos square theta minus alpha into sin alpha equal to m sin alpha cos alpha,
मॉडुलस ऑफ m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बाय रूट 2 यहां प्रूव करना है a sin स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा cos अल्फा इक्वल टू क्या है cos स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा sin अल्फा इक्वल टू m sin अल्फा cos अल्फा देन प्रूव दैट मॉडुलस ऑफ m इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट 2 ठीक है तो यहां से फर्स्ट एंड लास्ट एक्सप्रेशन लेते हैं सो फर्स्ट एंड लास्ट एक्सप्रेशन लोगे तो अब क्या आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा cos अल्फा से cos अल्फा खत्म हो जाएगा कितना हो जाएगा m sin अल्फा ये होगा ना ये फर्स्ट मान लेते हैं इसको सेकंड मान लिया और ये थर्ड क्या लिख देता हूं मैं यूजिंग 1 एंड 3 ठीक है तो सेकंड लो और थर्ड लो कितना आएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा विल बी m cos अल्फा m cos अल्फा ठीक है यूजिंग 2 एंड 3 ऐड कर दो दोनों को जैसे ही आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू m sin अल्फा प्लस cos अल्फा ये आ जाएगा m sin अल्फा प्लस m cos अल्फा ठीक है उसके बाद क्या है भाई sin अल्फा प्लस cos अल्फा कितना आ गया 1 by m आ गया sin अल्फा प्लस cos अल्फा कितना आ गया आपका 1 by m अब बताओ मेरे को sin अल्फा प्लस cos अल्फा कहां से कहां तक लाइन करेगा स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर से लेके नेगेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर ठीक है ना तो sin अल्फा प्लस cos अल्फा रूट 2 से लेके अगर माइनस रूट 2 से लेके प्लस रूट 2 तक हुआ माइनस रूट 2 से लेके प्लस रूट 2 तक हुआ है ठीक है तो 1 अपॉन m लाइज बिटवीन माइनस रूट 2 से लेके प्लस रूट 2 तक समझ आया 1 अपॉन m कहां से कहां तक लाइज किया है माइनस रूट 2 से लेके प्लस रूट 2 तक तो ये क्या लिखा है एक्चुअल में m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बाय रूट 2 इसका मतलब क्या ही सेम है कि नहीं तो m कहां से कहां तक लाइज करेगा m विल लाइज बिटवीन माइनस 1 बाय रूट 2 से लेके कहां तक प्लस 1 बाय रूट 2 तक m कहां से कहां तक हो गया रिवर्स हो गया ना तो माइनस नेगेटिव ही छोटा रहेगा माइनस 1 बाय रूट 2 से लेके प्लस 1 बाय रूट 2 तक और अब क्या कह सकते हैं मॉड m इज मॉड m इज क्या आएगा ये हमारा क्या हुआ भाई 1 बाय जब करोगे तो 1 बाय करोगे सही साइन लगाया था मैंने एक बार चेक करने दो मेरे को इधर गया साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा कहां से कहां तक हो गया रूट टू तक हुआ ना हाँ साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा रूट टू इधर माइनस रूट टू तक हुआ है एक सेकेंड यहाँ पे मिस्टेक हुई है उसको जरा ध्यान से देखेंगे क्या है माइनस रूट टू इज ग्रेटर देन 1 बाय m लेस देन इक्वल टू 1 बाय m और 1 बाय m इज लेस देन इक्वल टू रूट है ना तो यहाँ से कितना आ गया यहाँ से आ गया 1 by root 2 1 by root 2 m है ना m किससे ज्यादा हो गया 1 by root 2 से ज्यादा यहाँ से क्या आ रहा है यहाँ से क्या आएगा m is
इक्वल टू माइनस वन बाय रूट टू ये आ जाएगा। इन दोनों का जैसे कॉम्बिनेशन करेंगे दिस इंप्लाइज मॉड एम इज ग्रेटर देन वन बाय रूट टू। मॉड एम की आप एक बार डेफिनेशन समझोगे तो काम हो जाएगा। जैसे मॉड एक्स है इज ग्रेटर देन इक्वल टू फोर, इसका मतलब क्या होता है? मॉड एक्स इज ग्रेटर देन फोर विच इंप्लाइज एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू फोर और एक्स इज लेस देन इक्वल टू माइनस फोर, ये होता है। तो इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसमें रिवर्स में गए हैं आप। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी इफ रूट थ्री साइन सेक इज इक्वल टू टू सेक ए माइनस टेन ए, ऊपर कब होगी? साइन स्क्वायर सी वन से ऊपर कब होगा? वन या वन से ऊपर?
इसी वन से ऊपर होगा तो ही उसका स्क्वायर वन से ऊपर होगा। समझ में आया? जब साइन की वैल्यू वन से ऊपर होगी तो ही उसका स्क्वायर वन से ऊपर होगा, लेकिन साइन की वैल्यू वन से ऊपर हो ही नहीं सकती। तो क्या होगा? साइन सी शुड बी वन। साइन सी कितना होना चाहिए? वन। वन से ऊपर पॉसिबल नहीं है, साइन स्क्वायर से वन से ऊपर पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि साइन सी वन से ऊपर पॉसिबल नहीं है, तो साइन सी को वन होना पड़ेगा। तो साइन सी जैसे वन हुआ तो एंगल सी कितना आ गया? कब होता है? जब 90 डिग्री पे। समझ में आया? एंगल सी कितने पे होता है? जब 90 डिग्री पे। जैसे ये 90 डिग्री पे होगा उसका मतलब क्या हो गया कि एबीसी जो ट्रायंगल है उसका एंगल सी 90 डिग्री है। वही वही हमें प्रूफ करना था, देन प्रूव दैट ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ओके। आज इतने एग्जांपल्स आप रिपीट कर लेना। ओके, बाय बाय। और क्या करने का तुम लोग को कि इसका जो वीडियो लेक्चर अपलोड होगा उसको देख लेना, उसके बाद कल डिस्कस करेंगे अपन। कल लेक्चर से पहले हम लोग अपना डिस्कस कर लेंगे कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है। जरा मैं तुम्हारे फोटो ले लूँ, कौन कौन से बैठे हैं यहाँ पे, क्योंकि इसमें तो कुछ तो अभी देर देर करके आ रहे हैं, कुछ किधर से आ रहे हैं पता ही नहीं चलता। ओके, बाय बाय।